सर आपने हमें बुलाया। यस मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि आज तुम्हें नाइट ड्यूटी कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि एक सीरियस मरीज आया हुआ है, जाके देख लो। ठीक है सर। ठीक है, जाओ। ठीक हो? ओके चलो सांस लो। और लो। पानी से ठीक है, चेक करो। अरे आप आ गए क्या? हाँ चलिए ठीक है, बैठ। अरे मोनिका बिटिया नहीं दिख रही है, अभी तक हॉस्पिटल से नहीं आई क्या? अरे उसे हॉस्पिटल से फुर्सत मिले तब ना, अभी तक आए ही नहीं। अरे तो फोन करके पूछ लो कहाँ तक पहुंची है। हाँ ये सही कह रहे हैं, पता कर लेते हैं। हाँ बेटा कहाँ हो? हॉस्पिटल में। 2 दिन हो गया और अभी घर पे नहीं आए, कितना ड्यूटी करोगे? क्या करूँ मम्मी, आज भी नाइट ड्यूटी लग गया है। अच्छा ठीक है बेटा, टाइम पे खाना खा लेना। ठीक है मम्मी, ओके बाय। आज भी नहीं आ रही है, उसकी नाइट ड्यूटी लगी है। अच्छा ठीक है। हाँ चलिए तब, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है चलो। अरे संजय भाई कहाँ, इधर? बहुत दिनों बाद मिले हो यार। अरे क्या करूँ, बस इधर ही हॉस्पिटल में आया था। बहुत परेशान दिख रहे हो यार, कोई दिक्कत है क्या? भाई को यहाँ पे एडमिट कराया हूँ ना। अच्छा हाँ, अपना कोई जुगाड़ भी नहीं है। अरे यार जुगाड़ टेंशन मत लो, ये अपना ही हॉस्पिटल है, तुम्हारा भाई सही हो जाएगा। पक्का? हाँ यार, हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा यार, कहीं चलते हैं यार, कितने दिन बाद मिले हैं, कहीं बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। चलो चलो यार, इतने दिन बाद मिले हो, चलो। क्या लोगे? कुछ भी ले लो यार, इंग्लिश बियर क्या चाहिए बोलो। मंगा लो ना, बियर ही मंगा। ठीक है भाई, लाओ दो बियर। और क्या बियर? हाँ लीजिए दो बियर। रखो रखो। खाने के लिए चिकना नमकीन नमकीन। भाई दो बियर और लाओ। और कुछ चाहिए भाई? संजय भाई शराब तो पी लिया, लेकिन अगर शराब के साथ ना सबाब भी मिल जाना,
और भी मजा। अरे यार टेंशन ले रहे हो, शराब के साथ हम सवाब भी दिला देंगे, चलो दिलाते हैं। सच्ची सच्ची संजय भाई। मैम डिनर के लिए चलना है? हाँ चलो ना। चलिए खाते हैं। बैठ जाओ टेबल लेके। वैसे क्या बना है खाने में? कभी लेके तो आते नहीं, वो करते हो बस। मैम आपके हाथों से खाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं खाता हूँ हमेशा। नहीं मम्मी ने बना के दिया। हाँ मैम ठीक है, चलो खा लो, चढ़ा दो लो भगवान जी को। कैसा हलवा मिला है, बादाम डाला है। मेरा फेवरेट है, टेस्टी है, अच्छा लगता है खाने में। पूरा नहीं खाना है बता दे रही हूँ। आधा आप खा लीजिएगा, आधा हम खा लेंगे। बहुत चालाक हो। मेरा तो हो गया। बस बस तुम खा लो। बाहर आना है क्या? अच्छा मैम जो ओलंपिक का खेल चल रहा है उसका फाइनल चल रहा है, देखते क्या होता है। क्या होता है, इंडिया जीतेगी? इसमें भी सोचने वाली बात है, गलत कह रहे क्या? बिल्कुल मैम, मैं चाहूंगा कि अपना इंडिया जीते। मैडम मैडम तो नीरज चोपड़ा ही लाएगा। सही कह रहे हैं। देखते अभी देखते। मैम आज तो आपका सेकंड डे है, हमको बहुत नींद आ रही है। मैडम हम सोच रहे हैं कि चल आराम कर लें। ठीक है आप लोग आराम कर लो, हमको भी बहुत नींद आ रही है। ठीक है मैम, बाय मैम, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। सो लेती हूँ मैम। चाय पिएगा? चाय नहीं है, सामने पे चलना। अरे यार क्या हो? सिगरेट लाते हैं। सिगरेट? हाँ चल चले। क्या डरा ना सर भाई। काम करना।
चलते हैं पुल लगा। यार क्या है, अपनी रात है, कोई तीन बजे भाई। अरे ठीक है चलते हैं, रात का समय है, चलना। बहुत टेंशन है, रात का लफड़ा है, चलना। हेलो, अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ। अरे चलना भाई, क्या कर रहे हैं? आराम देखना भाई, आराम करेंगे। चल डॉक्टर साहब, क्या मामला है, ये सब कैसे हो गया? अरे हॉस्पिटल की डॉक्टर थी, सुसाइड कर ली। सुसाइड? इंक्वायरी करो। सर ये सुसाइड नहीं लग रहा है। चुप। यस सर। सीनियर तुम हो या मैं, जितना कहा जाए उतना करो, समझे? ओके सर। डॉक्टर साहब, घर वालों को सूचना दी आपने? नहीं सर, आप ही का वेट कर रहे थे। बहुत गलत बात है, तुरंत सूचना दीजिए। और सुनो,
डेड बॉडी को तुरंत जो है पोस्टमार्टम के लिए लेके जाइए। डॉक्टर साहब चलिए केबिन में आइए, आपसे जरूरी बात करना है, आइए। ओके सर। जी ममता दीदी, ममता दीदी अब इस दुनिया में नहीं रही। अरे कहाँ हो गया अभी, कुछ बताओगे जी? की कहाँ हो गया? हमारी दुनिया उजड़ गई। क्या हो गया जी बताओगे? हमारी बेटियाँ चली हैं। आपको तो पता है ना कि लोग दो ही लोगों पे भरोसा करते हैं, एक वो ऊपर वाला और दूसरा हम जैसे डॉक्टर पे। और आप बताइए, जो हम पे इतना भरोसा करते हैं उन्हें छोड़ के हम कैसे आ जाएं? नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने जो वीडियो बनाई है, वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि किसी के दिल को दुखाना, किसी के आत्मा को ठेस पहुंचाना, बल्कि हम वीडियो के माध्यम से अपने समाज को सचेत करना चाहते हैं कि आप अपने परिवार और समाज के प्रति सजग रहें, क्योंकि हमारी बहन बेटियों को कुछ दरिंदे, कुछ कातिल भेड़ियों की नजर से देखते हैं। ये आए दिन हो रहा है। मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि कड़ी से कड़ी उन कातिलों को सजा दे और बिटिया की आत्मा को शांति प्रदान करे। जय हिंद।